अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ पाकिस्तान नाइनटीन सेवनटी थ्री आर्टिकल वन सेवेंटी फाइव ए हमें बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजिस टू द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एंड द फेडरल श्रेय कोर्ट इसमें कहा जाता है कि देर शलबिया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हेयर इन आफ्टर इन दिस आर्टिकल रेफर टू एज द कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स एंड द फेडरल श्रियत कोर्ट्स एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड यानि कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जज को हाई कोर्ट के या फेडरल शरीत कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक आ, जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा और उसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जुडिशल कमीशन ही कहा जाएगा जो कि अपॉइंटमेंट करेगा हमारे चीफ जस्टिस की वो एक कमीशन पर मुश्तमल होगा सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले हमारे पास जज की अपॉइंटमेंट के लिए हमें एक कमीशन बनाना होगा और वो कमीशन मुश्तमिल होगा एक चेयरमैन पर चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस कमीशन का चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा जो एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा उसके बाद उसके मेंबरान होंगे मेंबर्स फॉर मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के मेंबरान होंगे फिर उसके बाद आ जाएंगे मेंबर अ फॉर्मर चीफ जस्टिस और अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यानी कि एक साहब का चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का या कोई भी सबका जज जो कि सुप्रीम कोर्ट का रह चुका होगा वो भी उसका मेंबर होगा जो कि सबका चीफ जस्टिस या सबका जज होंगे उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करेगा बाकी चार मोस्ट सीनियर जजेस की मुशावरत के साथ उसके बाद हमारे पास और मेंबरान आ जाएंगे उनमें हमारे पास शामिल होंगे फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस यानी कि वफाक़ी वज़ी क़ानून एंड अदर मेंबर्स आर अटॉर्नी जनरल आ सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेटेड बाय द पाकिस्तान बार काउंसिल फॉर टर्म ऑफ टू इयर्स, यानी कि एक अटॉर्नी जनरल होगा और एक सीनियर एडवोकेट होगा सुप्रीम कोर्ट में जो काम कर रहा होगा और वो पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से दो साल के लिए नॉमिनेटेड होगा इसके बाद क्लास थ्री में हमारे पास कहा जाता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग इन क्लास वन और क्लास टू द प्रजिडेंट शैल अपॉइंट द मोस्ट सीनीयर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि प्रज़िडेंट जो कि सदर है उसके पास ये इख्तियार है कि वो क्लास वन और क्लास टू के बावजूद यानी जुडिशल कमीशन के बावजूद भी सदर के पास ये इख्तियार है कि वो एक्टिव चीफ जस्टिस के बाद जो मोस्ट सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट का उसको वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस के तौर पर नॉमिनेट कर सकता है या अपॉइंट कर सकता है कमीशन में मेक रूल्स रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज नंबर फाइव फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट के जजेस के बारे में उसकी चीफ जस्टिस के हाई uh, कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के बारे में द कमीशन इन क्लास टू शेल आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग नेम ली. अब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बनाने के लिए जो जुडिशल कमीशन था जो कि नौ मेंबरान पर मुश्तमिल था वो नौ मेंबरान थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फॉर मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वफाकी वजी कानून अटॉर्नी जनरल फॉर्मर चीफ़ जस्टिस और अ फॉर्मर जज एंड अदर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द पाकिस्तान बार कौंसल ये नौ मेंबरान थे अब जब हमने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करनी है जज की अपॉइंटमेंट करनी है तो उसमें इस जुडिशल कमीशन में हम मज़ीद मम्बरान का इजाफ़ा करेंगे और वो मम्बरान होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टू विच द अपॉइंटमेंट इज़ बीइंग मेड अब जो हमारा रिलेटेड कोर्ट है जिस सूबे में हमने चीफ हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट करनी है उस सूबे की कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा इसके बाद होगा हमारे पास द मोस्ट सीनियर जज ऑफ़ द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के बाद जो हाई कोर्ट का सीनियर जज होगा उसको अपॉइंट करेंगे उसको ऐड करेंगे हम अपनी कमीशन में उसके बाद होगा प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लॉ सूबाई वज़ी कानून एंड देन वी हैव मेंबर एंड एडवोकेट हैविंग नॉट लेस देन फिफ्टीन इयर्स प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट टू बी नॉमिनेटेड नामिनेटेड बाई कंसर्न बार काउंसिल फॉर अ टर्म ऑफ टू इयर्स हमारे पास जो कंसर्नड आ, बार कौनसिल है कौनसिल की जानब से नॉमिनेटेड एडवोकेट को ऐड करेंगे तो ये डिपेंड करता है नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोवाइडेड दैट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट द मोस्ट सीनियर जज इन पैराग्राफ टू शेल नॉट मेंबर ऑफ द कमीशन यानी कि जो हमारे पास हाई कोर्ट का हमने एक मोस्ट सीनियर जज ऐड करना था वो हम लोग कमीशन में उसको कार्रवाई के दौरान ऐड नहीं करेंगे कार्रवाई के दौरान जब हमने किसी भी जज को जब हमने जज को अपॉइंट करने के लिए जो प्रोसीडिंग होनी है उसमें वो मोस्ट सीनियर जज ऐड नहीं होगा नेक्स्ट हमारे पास है फर्दर दैट इफ़ फॉर एनी रीज़न द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज़ नॉट अवेलेबल ही शेल बी सब्सटीट्यूटेड बाई अ फॉर्मर चीफ जस्टिस और अ फॉर्मर जज ऑफ़ दैट कोर्ट टू बी नोम नेटिड बाई द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टे विद द फोर मेम्बर जजेस ऑफ द कमीशन मैंशनड इन पैराग्राफ टू ऑफ क्लास टू क्लास टू के पैराग्राफ टू में जो मैंशन किया गया था हमारे पास चार जजिस को चार मोस्ट सीनियर जजिस को उनकी मुशावरत से अगर हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अवेलेबल नहीं है जिसको हमने नेक्स्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है तो हम फॉर्मर चीफ जस्टिस या फिर फॉर्मर जज उस कोर्ट का लेंगे जिसमें हमने उसको जज अपॉइंट करना है और फिर हम लोग चार मोस्ट सीनियर जजेस की मुशावरत के साथ कंसल्टेशन के साथ उसको अपॉइंट करेंगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट द कमीशन इन क्लास टू शेल आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग नेम्स अब नेमली अब हमारे पास जो जुडिशल कमीशन था वो एज़ इट इज़ रहेगा अगर हमने हाई कोर्ट्स प्रोविंसेस की हाई कोर्ट्स में अगर हमने जज की अपॉइंटमेंट करनी है तो हम उसके उससे रिलेटेड उसमें एडिशन करेंगे अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपॉइंट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए जब हमने उसमें इजाफा करना है या एडिशन करनी है हमने कमीशन में तो हम लोग इन मेंबर्स को ऐड करेंगे और वो होंगे उन नौ मेंबरान जुडिशल कमीशन के नौ मेंबरान के अलावा हमारे पास होंगे मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो एक्टिव चीफ जस्टिस होगा द मोस्ट सीनियर जज ऑफ़ दैट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर जज होगा उसको हम लोग ऐड करेंगे उसके बाद इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ़ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ़ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट द चीफ जस्टिस ऑफ द फोर प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स शैल आल्सो बी मेंबर्स ऑफ द कमीशन यानी कि Uh, जब हमने इनिशियली इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाई थी या अगर हमारे पास ऊपर वाले दो मेंबरान नहीं हैं यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हमारे पास चीफ जस्टिस एंड सीनियर मोस्ट जज नहीं है अवेलेबल तो हम उसमें जुडिशल कमीशन के मेंबरान में चारों सूबों की हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस को एज़ अ मेंबर इंक्लूड करेंगे और उनकी कंसल्टेशन से हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपॉइंट करेंगे

कि हम लोग जब अपॉइंट कर रहे होंगे चीफ जस्टिस को तो हम लोग मोस्ट सीनियर जज को कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाएंगे कि कहीं वो कार्रवाई पर असर अंदाज ना हो क्योंकि उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं नेक्स्ट चीफ जस्टिस के बनने के तो इस वजह से उसको कार्रवाई से उस टाइम के लिए हटा दिया जाता है तो स्लाइड चेंजेस के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट करेंगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट अब हमारे पास जो क्लास टू का जुडिशल कमीशन था द कमीशन इन क्लास टू शैल आल्सो इंक्लूड द चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट एंड द मोस्ट सीनियर जज ऑफ़ दैट कोर्ट एज इट्स मेंबर्स यानी कि हम लोग जुडिशल कमीशन के मेंबरान में मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट को ऐड करेंगे एंड वी हैव प्रोविजन एज वेल दैट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शीर कोर्ट द प्रोविजन टू क्लास फाइव शर्मोटैटस मोटेडस अप्लाई तो इसमें भी हम लोग स्लाइड चेंजेस के साथ उसको अपॉइंट कर देंगे जब जुडिशल uh, कमीशन एक मेजॉरिटी के साथ ही अप्रूव कर देगा कि एक नाम अप्रूव कर देगा फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और फेडरल शरीत कोर्ट तो वो उसको पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज देंगे अब एक नशिस्त के लिए एक ही इन, uh, बंदे का नाम लिया जाएगा जो कि जज होगा सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का या फेडरल शरीत कोर्ट का और ये क्लास एट में कहा गया है द कमीशन बाई मेजॉरिटी ऑफ़ इट्स टोटल मेम्बरशिप शेल नॉमिनेट टू द पार्लियामेंट्री कमेटी वन पर्सन फॉर ईच वसी जज इन द सुप्रीम कोर्ट अ हाई कोर्ट और द फेडरल केस मे बी नेक्स्ट क्लास नाइन में हमें कहा गया है द पार्लीमेंट्री कमेटी हेर इन आफ्टर इन दिसकल रेफर टू एज दीसिस्ट ऑफ दम्बर्स नेम डे जुडिशल कमीशन है जिस जज का नाम पार्लीमेंट्री कमेटी को भिजवाना है वो पार्लीमेंट्री कमेटी आठ अफराद पर मुश्तमिल होगी और वह आठ अफराद होंगे फोर मैंबर्स फ्राम द सनेट चार मैंबर सैनेट के होंगे एंड फोर मैंबर्स फ्राम द नेशनल असम्बली और चार मैंबर ही हमारे नेशनल असम्बली के होंगे नेक्स्ट रही है प्रोविजन एज वेल दैट वेन द नैशनल असम्बली इज़ डिज़ोल्व यानी अगर हमारी नेशनल असम्बली डिजॉल्व है द टोटल मेम्बरशिप ऑफ द पार्लीमेंट्री कमेटी मेबर्स दैराग्राफ वन एंड द प्रोविजन अप्लाई तो अगर हमारी नेशनल असम्बली डिजॉल्व है तो हमारे आठ अफराद जो है वो सैनिट से ही लिए जाएंगे हमारे इन आठ अफराद जो कि पार्लिमेंट्री कमेटी जिन आठ अफराद पर मुशतमिल होगी क्लास टेन में कहा गया है आउट ऑफ द एट मम्बर्स ऑफ द कमेटी फोर शेल भी फ्राम द ट्रेजरी बेंचिज यानी कि चार जो हैं वो बेंच ट्रेजरी बेंचेस में से भी हो सकते हैं टू फ्रॉम ईच हाउस एंड फोर फ्रॉम द अपोजिशन बेंचेस और दो हम लोग हाउस ऑफ असम्बली अपनी जो पार्लियामेंट uh, से ले सकते हैं एंड अपोजिशन से भी ले सकते हैं द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स From the treasury benches shall be made by the leader of the house and from the opposition benches by the leader of the opposition. Leader of the house जो होगा उसकी जाने से भी nomination की जा सकती है parliamentary committee के इन membran की और opposition की तरफ से जो membran लिया जाएंगे उनकी nomination leader of opposition कर सकता है